दोस्तों आज का व्लॉग बड़ा ही खूबसूरत है। आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करनी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। ये एक आम पाकिस्तानी की वीडियो है और इसमें जो वो गाकर पैगाम दे रहे हैं या आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का जो इस वक्त निज़ाम है जो नंगा हो चुका है उसको अपनी आवाज़ में गाकर बता रहे हैं। तो ये वीडियो आपसे आगे चल कर शेयर करते हैं। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब इमरान खान साहब ने तकरीबन 205 दिनों बाद मेडिकल की कंप्लेन की है। उनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसके लिए उन्होंने बकायदा तौर पर दरख्वास्त दी है 205 दिनों बाद। यह आपने ज़हन में रखना है, जबकि जब नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए थे तो 150 दिनों में 3 हॉस्पिटल उन्होंने विज़िट कर लिए थे, 3 रिपोर्टें बन चुकी थी। और शहबाज शरीफ साहब का भी हाल कुछ यही था और जरदारी साहब का क्या हाल था ये आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। और तरीकन साहब ने रात को अपना जो वज़ीर आला का उम्मीदवार है वो बदल दिया है, वो क्यों बदला है, इसकी क्या वजूहत हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। मैं हूं आफ्ताब इब्राहिम और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। एक बाबा जी हैं जो बेचारे आम से आदमी लगते हैं। अब मैं नहीं जानता ये किस शहर के हैं, इनका क्या नाम है और ये प्रोफेशनल सिंगर हैं नहीं हैं, लेकिन लगते नहीं हैं सिंगर, एक आम आदमी लगते हैं। वो अपनी आवाज़ में गाकर जो पाकिस्तान के साथ हुआ है गुज़िश्ता 2 सालों में वो बयान कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फिर आप आगे चलकर वो वीडियो भी देखेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो पूरी पाकिस्तानियों की आवाज़ है, 25 करोड़ आवाम का लीडर है, फिर वो वर्दी वालों के साथ मुखातिब है और उनको कहते हैं इंसाफ करें आप, और विगो डाले का भी जिक्र है इसमें साइफर का भी जिक्र है। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, ये आप वीडियो देखें। सब दा सज्जन सब दा यार, 25 करोड़ आवाम दा प्यार, कैदी नंबर 804 वर्दियां वाले ले ओ, इंसाफ करो ओ कौम नु जीन दा वल समझाया, सुती कौम नु खान जगाया, कौम नु जीन दा वल समझाया, सुती कौम नु खान जगाया, आलमी दुनिया होई हैरान, कीता शान नबी दा बयान, एह पक्का मुसलमान दुनिया वाले ले ओ, इंसाफ करो। मैं अमरीका तू सफर आया, खान ने हक दा आलम लहराया, तुसी कराया दम तमाद, बनया झगड़े दी बुनियाद, हूडी दा मुल्क बर्बाद, वर्दियां वाले ओ इंसाफ करो। ओ मुल्क दी दाल च वड्डा काला, जेंदा ना है भी गोडाला, चादर चार दीवारी पार, नंगियां वीडियो इज्जतां तार, क्या ही में हो दिन चौकीदार, वर्दियां वाले ओ इंसाफ करो। ओए असली नस्ली खून जगला, दल इंसाफ कानून जगला, 35 साल दुखी पी नून, चुसे दी रही है अवाम दा खून, ना इंसाफ देना कानून, वर्दियां वाले ओ इंसाफ करो। ओ मुल्क नु लुटिया वारी वारी, डू गंजे ते एक जरदारी, ओ त्रिए शख्स ने आज आजाद, सारे इदारे जिंदाबाद, की करिए हुन फरियाद, वर्दियां वाले ओ इंसाफ करो। शेर को बंद कर कुत्ते मारन पंजे, एक डंडल ते डूएन गंजे, ओए गली गली विच इहो शोर, सिंध दे डाकू पंजाब दे चोर, एक चोर उतू मुंह जोर, वर्दियां वाले ओ इंसाफ करो।
8 फरवरी नू फैसला करना है, हक नाल जीवन है हक नाल मरना है, वो जुल्म दे बदले दे सू वोट करनी खान दी फुल सपोर्ट, गंजा दे हाथ पासपोर्ट ते एयरपोर्ट वर्दियां आलड़े हो, इंसाफ करो इंसाफ करो। तो आपने यकीनन आप ये वीडियो देख ली होगी, आपने इंजॉय भी किया होगा कि पाकिस्तान में अब शऊर इस हद तक पहुंच गए। कुछ लोग जो तजिया निगार है जो अपने स्टूडियो में बैठे रहते हैं, आवाम से उनका लेना देना नहीं है, कभी उनसे मिलते नहीं है, सब्ज़ी लेने वो नहीं जाते, और उनका जो महफल है या जिन लोगों में वो उठते बैठते हैं वो ऑलरेडी अमीर लोग हैं, उनकी एक सोच होती है, आम आदमी से उनका इंट्रैक्शन नहीं होता। तो यहाँ तक शऊर पहुँच चुका है, जो टीवी वाले तबसरा निगार हैं जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं वो कहते हैं इमरान खान नौजवानों में मकबूल है। ओ भाई, नौजवानों में नहीं है, वो हर तबके हर उम्र के बंदे का लीडर है। आप ये बाबा जी की उम्र देख लें, इनके सामने वाले दांत भी नहीं है और वो इमरान खान के हक में बातें कर रहे हैं। मैंने इसी तरह, क्योंकि हमारा आम लोगों में उठना बैठना है, क्यों, चूँकि हम खुद भी आम आदमी हैं, तो हमें हर उम्र का जो बंदा है वो इमरान खान को अपना लीडर मानता हमें नज़र आया है। सब ने कहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और इमरान खान हक और सच का साथी है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं ईमानदारी से आपको बताऊँ, मेरे वाले साहब 2013 में इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे ये मतलब अभी संजीदा नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। फिर 2018 आया, उसमें भी इतने नहीं थे, लेकिन अब जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं इसमें वो इतने एक्टिव थे। अगर मैं उनको कोई इमरान खान के बारे में कोई गलत खबर देता था, गलत से मुराद ये कि मैं उनको कहता था कि इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा, अभी वो बाहर नहीं आ रहे, तो वो मुझसे गुस्से में करते थे, कहते थे आपको क्या पता इमरान खान बाहर आ रहा है, अदालत ऐसा कर देगी। तो मैं अंदर अंदर परेशान भी होता था, हंसता भी था, अगर सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक होना है तो इमरान खान इतनी बड़ी मुश्किल में ना होते, उनसे बल्ला ना छीना जाता। तो अब भी जब सीटों का मामला आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आइनी मामला है, क्यों नहीं उनसे सीटें लेंगे। तो मसला यही है कि अगर आइनी और कानूनी काम होने होते तो बल्ले क्यों उनसे छीनते और तरीके इंसाफ को उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड देते। तो खैर, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि इमरान खान हर एज की उम्र का जो बंदा है या बंदी है सबका अब लीडर बन चुका है। लोग समझते हैं वो हक और सच पर है, लेकिन यहाँ मैं एक और भी बात बता दूँ, लोग मायूस भी बहुत ज़्यादा है। मैं अपने रिश्तेदारों में जाता हूँ, दोस्त अहबाब में जाता हूँ, वो पूछते हैं यार क्या फ़ायदा हुआ, हमने वोट दिया इमरान खान को और वज़ीर आला जो बन रही है वो मरियम बन रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन रहे हैं, अब हमारा क्या बनेगा, महंगाई कम होगी नहीं होगी। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब हम उनको मायूस भी नहीं कर सकते कि आपने जो निकल कर वोट दिया आपने गलत किया है, आपके वोट की ताकत नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपना रहनुमा लीडर मुंतखब नहीं कर सकते। बदकिस्मती से हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है उनको कोई हौसला देने के लिए भी। लोग कहते हैं क्या फ़ायदा हुआ हमारे वोट देने का, तो ये वर्दी वालों को सोचना चाहिए। जिस तरह बाबा जी कह रहे हैं कि वर्दी वालों इंसाफ करो, आवाम के साथ इंसाफ करो, आप चौकीदार हैं, आप ही हमें नंगा कर रहे हैं, हमारी जो बेडरूम की वीडियोज़ हैं वो बना रहे हैं और मार पीट रहे हैं, चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रख रहे, तो ये बाबा जी फरियाद कर रहे हैं। तो शऊर यहाँ तक पहुँच चुका है। आपको पता है शऊर हमेशा तकलीफ़ देता है, जिस बंदे में शऊर आ गया वो फिर चुप करके नहीं बैठ सकता, वो बोलेगा, उसको तकलीफ़ देगा। और जब जो बेशऊरा आदमी है जिसमें शऊर नहीं है तो वो तो मस्त है, वो तो इंजॉय कर रहा है लाइफ को, लेकिन जिस बंदे के अंदर शऊर चला गया ना जी, वो उसको तंग ज़रूर करेगा, ये पढ़ी लिखी बात है। तो अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ कि तहरीक इंसाफ ने रात को मियां असलम इकबाल की जगह राणा आफ्ताब साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। इसकी बड़ी वजह यह है कि मियां असलम इकबाल साहब को गिरफ़्तार किए जाने का खदशा है, गो कि उनको पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल चुकी है, लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो बाजिद है कि हमने मियां असलम इकबाल साहब को गिरफ़्तार करना है। जब असम्बली का पहला दिन था तो उसमें भी पंजाब पुलिस जो भारी नफरी आई हुई थी, कैदी वालों की वैनें आई हुई थी और पुलिस ऐसे आई हुई थी असम्बली में जैसे छावनी बन गई हो और कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट आ रहा है जिसको गिरफ़्तार करना है, तो मियां असलम इकबाल साहब असम्बली में आकर हलफ भी नहीं उठा सके। तो अब वो असम्बली में नहीं आएंगे क्योंकि उनको गिरफ़्तार हो जाना है, उनकी मुश्किलात पहले ही बेचारे बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं, तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना हो, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब तो वो बनेंगे नहीं क्योंकि नंबर गेम जो है वो नून लीग के पास है। रात को उनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं भारी लीड से,
224-225 जो है वो मलक अहमद साहब को मिले हैं, और बाकी जो नईम कुरैशी साहब हैं उनको भी 220 के करीब वोट पड़ गए हैं। तो अक्सरियत तो है नून लीग के पास, उन्होंने अपना वज़ीर आला आराम से मुंतखब करवा लेना है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे में मियाँ असलम इकबाल साहब की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए। तो फिर तहरीक साहब ने बहमी मशावरत के साथ राना आफ्ताब को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया है, और अब ये कल वोटिंग होगी पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के लिए, और मरियम बीबी पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला पंजाब बनेगी, बल्कि सूबा पंजाब की वज़ीर आला पंजाब बनने का एजाज़ हासिल करेंगी। खुदा करे कि उनके अंदर जो इंतकाम की आग है, जो वो कहती हैं कि तहरीक साहब दहशतगर्द जमात है, वो वाला रवैया ना रखें। आप पहली दफ़ा खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो खुदारा अवाम को रिलीफ़ दीजिएगा, अपोजिशन को साथ लेकर चलिएगा, ये मार कुटाई और मुखालफों को दबाने वाली सियासत ना कीजिएगा। बदकिस्मती से आपका रवैया तो ऐसे ही होता है, लेकिन वज़ीर आला बनकर आपको अपना रवैया बदलना होगा, अपोजिशन को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि भारी अपोजिशन है। इससे पहले इतनी पंजाब में तगड़ी अपोजिशन नहीं होती थी जितनी इस दफ़ा अपोजिशन है। तो प्लीज़ मरियम बीबी, आपसे गुजारिश है कि आप एक अच्छी वज़ीर आला साबित हों। नेक शगुन है आपके लिए कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा आपका चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, आपका आईजी पंजाब कौन होगा, आपका सीसीपीओ लाहौर कौन होगा। तो ये जो आपके एक्शन होंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि आप किस तरफ जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की, जिनको 5 अगस्त को अरेस्ट किया गया था लाहौर से। उनको पहले अटक जेल में रखा गया, फिर उनको जनाब अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। तो इस वक्त अपनी जो सज़ा है अडियाला जेल में काट रहे हैं। लेकिन हैरान कन बात यह है कि जब भी कोई सियासतदान गिरफ़्तार होता है, जेल चला जाता है, तो 10 दिनों बाद 15 दिनों बाद वो बीमार हो जाता है, उसके लिए दरख्वास्तें आना शुरू हो जाती हैं कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात है, 15 बीमारियाँ हैं, 20 बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनका दिल का मसला है, स्टंट पड़े हुए हैं, तो इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर मेडिकल बोर्ड बनते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनको उनके लिए रिलीफ की राहें तलाश की जाती हैं। लेकिन ये अजीब कैदी है जो 205 दिनों से ज़ायद अरसा हो गया है कैद में है, बीमार नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं की जी मेरी तबीयत ख़राब है, या मेरा दिल ख़राब है, या मेरे गुर्दे ख़राब है, या मेरी शुगर आई है, मेरा ब्लड प्रेशर आई है, तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं किया इस कैदी ने। सिर्फ कल एक उन्होंने कंप्लेन की है, जब 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इकट्ठे अडियाला जेल में मौजूद थे। खान साहब ने दरख्वास्त दायर की कि मेरे दांत में मसला है, मैं उसको चेक करवाना चाहता हूँ, दांत में दर्द है। तो जज साहब ने कहा जी आप जेल के डॉक्टर से चेक करवा लें, जिस पर खान साहब ने कहा कि मैं 70 साल का हूँ तो कहीं मेरा दांत ही ना निकाल दे, तो लिहाजा मैं किसी अच्छे से डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा जी आप दरख्वास्त दे दें, हम इस पर मुनासिब फैसला करें। तो खान साहब ने 205 दिनों में पहली दरख्वास्त दी है अपनी सेहत के हवाले से। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब कुछ 150 दिनों में जेल में थे, तो हर रोज़ मरियम बीबी सुक्का सा मुँह लेकर आ जाती थी और कहती थी आज मियाँ साहब को 4 हार्ट अटैक हुए हैं, उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, उनको ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो एक ग्राउंड बनाई जाती थी, और फिर 150 दिनों में 3 हॉस्पिटल्स में उनको मुंतकिल किया गया, रिपोर्टें बनाई गई। फिर ये पहले खुशकिस्मत कैदी थे जिनको 8 हफ्तों के लिए घर रेस्ट पर भेजा गया, फिर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टाम्प पेपर पर बैरून मुल्क भेज दिया कि करवाएं इलाज, अब वो 4 साल फिर वहीं रहे, तो अभी वापस आए। यही हाल शहबाज शरीफ साहब का होता था कि जब उनको अदालत ले जाया जाता था, जब वो जेल में थे, कहते थे जी मेरी कमर में दर्द है, मुझे खाना जो है नीचे रख के दिया जाता है ताकि मैं खुद उठाऊं, और मेरी कमर में दर्द होता है। जैसे ही वज़ीर आज़म बने दर्द फुर, एक दफ़ा भी मियाँ साहब ने कंप्लेन नहीं की भाई मेरी कमर में दर्द है, मैं इस दौरे पे नहीं जा रहा या इस मीटिंग में नहीं आ रहा, भाई किसी और बंदे से करवा ना। जरदारी साहब पूरे 2 माह 3 माह वो आते ही नहीं थे, जी मैं बीमार हूँ, मेरी भी घुटनों में दर्द है, खुंडी पकड़ लेते थे। और फिर क्या हुआ, जब वो सियासी मुलाकातें होती थी और अदम अतमाद का सीज़न आया, तो इनके अंदर ऐसी ज़्यादा ताकत आई कि उन्होंने पीडीएम को लीड किया और पीडीएम में शामिल रहे, मुलाकातें करवाई, सियासतदानों को इकट्ठा किया और इमरान खान की हुकूमत को चलता किया, तो ज़बरदस्त फिट हो गए। तो ये हमारे सियासतदानों का हाल है, जबकि कैदी नंबर 804 का हाल ये है कि वो अभी भी दांत के दर्द की कंप्लेन कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि मेरा दिल में दर्द है या मेरे गुर्दों में तकलीफ है, उसे पता है दांत का दर्द होगा, ज़रा ज़रा कोई टैबलेट्स देंगे ठीक हो जाएगा, तो वो ग्राउंड में नहीं बना रहा कि मैं बाहर जाने के लिए मुझे बाहर निकाला जाए। तो खान आउट ऑफ सिलेबस आया है, वो आउटसाइडर है,
रियासत को पता ही नहीं कि इमरान खान के साथ डील कैसे करना है, उसको वो नवाज शरीफ समझ के डील देते हैं, जी आप घर में बैठ जाएं, आपकी हुकूमत बना देते हैं, वो ठोकर मार देता है, फिर उसको ऑफर होती है कि आप जरदारी के साथ मिल जाएं, उसको भी वो 4 फुट दूर से ठोकर लगा देता है। ये समझते हैं कि इमरान खान भी इकतदार का भूखा है, या वो बाहर निकलना चाहता है, या वो पैसा बनाना चाहता है, या वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, उसको ऐसी ऐसी ऑफर देते हैं, वो ठुकरा देता है, वो कहता है मेरा मैंडेट वापस करो, वो वर्दी वाले सियाणे जो हैं वो चले जाते हैं। फिर तो खान को डील करने के लिए खान को समझना ज़रूरी है, उसको आप प्यार से डील करें, उसके साथ एंगेज करें, तब वो बाहर आएगा, ऐसे वो डील शील करके नहीं बाहर आएगा। अब उसे आप डील में दे भी क्या सकते हैं, हुकूमत जो है पंजाब में मरीम भी बना रही है, वफाक में शहबाज शरीफ बना रहा है, तो सिंध में पीपल्स पार्टी ने बना लिया, बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी बना रही है, तो इमरान खान ने को आप क्या ऑफ़र करेंगे? बाहर उस बंदे ने जाना नहीं है, और अपोजिशन जो है वो डट के करेंगे, अपोजिशन लीडर पीटीआई का होगा, आप इमरान खान को दे क्या सकते हैं? तो वो इसलिए यही वो सियाना आदमी है ना, इसलिए डिमांड कर रहा है मेरा मैंडेट मुझे वापस करो जो आवाम ने दिया है 8 फरवरी को आपके तमाम हथकंडों के बावजूद, तो वो उनको वापस नहीं करना। अगर मैंडेट इमरान खान को मिल गया तो वो इनका जीना आराम कर देगा। तो सारा किस्सा ये है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।